हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोग के सारे लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ज़िद्दी होते हैं तो उसकी सारे मांग पूरी करते रहते करते रहते, इससे वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, तो जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं कितना ज़िद्दी करता है। तो आज ये देख रहे हैं, इसका नाम है अंशु, और आज ये पता है कुछ भी ज़िद्दी नहीं करता। और क्यों नहीं करता, मैं आप लोग को एक छोटी सी बात मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए, आप लोग को अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है ना ज़िद्दी का महा बाहुबली है, लेकिन आज ये इतना शांत है कि लग रहा होगा कि बहुत मासूम बच्चा है, लेकिन ये मासूम बच्चा कुछ दिन पहले नहीं था। मैंने क्या ऐसी बात इसे कह दी कि ये अचानक से इतना शांत रहने लगा, और आज तक मुझे जिद भी नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि वहाँ जाना है तो जाना है, इधर आना है तो आना है, खाना खाना है तो खाना है, क्या ऐसी बात मैंने कह दी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करना आपको। इस कोई भी बच्चा, पता है, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब छोटा बच्चा अक्सर ना डरता बहुत है किसी चीज़ पे, कहानी सच हो या झूठ हो उसे पता नहीं, बस वो कहानी जैसे आप सुनाओगे ना तो उस चीज़ में वो रिलेट करने लगेगा। तो वही चीज़ मैंने किया, इसको क्या किया मैंने, अगर ये पैसा मांगता था मुझे 5 रुपये, तो मैंने एक ऐसी कहानी बना दी 5 रुपये को लेकर कि एक बच्चा था 5 रुपये मांग रहा था, ऐसे वैसे, मतलब अचानक बहुत से दिनों तक मांगते रहा, फिर एक दिन उसको ऐसे, मतलब अपने सब बना के बोल लिया मैंने कहानी। उसके बाद से ये डर गया बच्चा, तो 5 रुपये मांगने ही नहीं लगा। और फिर आप और भी कुछ नए नए कहानी बता सकते हैं, तो ये ट्रिक मैंने लगाई। तो आप लोग बच्चे के जिद पूरा मत कीजिए, आप उसे कंट्रोल कीजिए। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का आदत लगना उस चीज़ बुरी लत को एक दिन बहुत बड़ा अपराध कर देता है, इसलिए आप लोग बुरी लत मत लगाएं अभी से ही, बच्चे से ही, बड़ा हो के आपको बहुत ही तकलीफ देगी।